नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी पढ़ रहे हमसे इतिहास और आज आप देख रहे होंगे कि आज जो क्लास होने वाली बहुत ताबड़तोड़ क्लास होने वाली है इतिहास की, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को हम लोग बिल्कुल विधिवत तरीके से पढ़ेंगे। तुमने कई जगह पढ़ा होगा, लेकिन आज जो आप पढ़ोगे एक बेहतरीन एक लेवल से पढ़ोगे, एक जबरदस्त तरीके से पढ़ोगे। जबरदस्त तरीके से गुड इवनिंग शैलेन राजपूत, इट्स कुशवाहा, अरुण, विकास, रितु, कंचन, लौकुश, रामकुमार, आकाश, नेहा, अरविंद, साक्षी, अमन, विराट, अन्नु, मोनू, प्रेमसा, सब बच्चों को बहुत सारा प्यार, नमस्कार, स्वागत है आपका इस कक्षा में। साथियों, एक बार जोर से आप सब वीडियो को क्या कर देना, शेयर कर देना धमाकेदार तरीके से। एक इतिहास रचना है इतिहास की क्लास में। मेरे बच्चों, उम्मीद करते हैं, ऋतु दीमान कह रहे सर आप पंचुअल नहीं हो, बच्चे तुरंत आ गया, तुरंत आ गया। अब भी कहोगे तो भाई से गलत बात है। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम मिला दे। चलिए फटाक से वीडियो को क्या कर दो, शेयर कर दो। और एक मोटिवेशनल लाइन है, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब सफलता या कामयाबी शोर मचाएगी। तो साथियों, लाइक ठोक दिया, शेयर ठोक दिया, बहुत बढ़िया। तो अब मैं आपको बता दूं, जो बच्चे हमसे स्पेशल लूसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं बहुत सारे बच्चे जीएस एक्सक्लूसिव बैचेस में, तो हमारा गूगल प्ले स्टोर से फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन डाउनलोड करना, जिसमें पूरी लूसेंट हमने पढ़ाई है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, त्रिशूल बैच 2.0 रिकॉर्डेड प्लस लाइव है, साइंस स्पेशल 2.0 मतलब लूसेंट की पूरी साइंस स्पेशल, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब है, इतिहास स्पेशल मतलब पूरी इतिहास लूसेंट की, एशियन मिडिवल और मॉडर्न, भूगोल स्पेशल, इंडियन प्लस वर्ल्ड, संविधान स्पेशल, सब कुछ अवेलेबल है। तो साथियों, आज की कक्षा क्या है, तो आज की कक्षा आपको मैं एक चित्र दिखाना चाहता हूं, उस चित्र को आप देखिए फटाक से, उस चित्र को आप देखिए और पहचान जाइए कि आज की कक्षा हमारे सामने क्या है, आज की कक्षा हमारे सामने क्या है। उस चित्र को पहले आप देख लीजिए, फिर भाई साहब बिल्कुल जबरदस्त अंदाज में आज की क्लास शुरू करूंगा मैं, आनंदमय। आप अगर इन चित्र को देख के इतना परिचय लगा रहे हैं आखिरकार ये है क्या, तो साथियों मैं बताना चाहता हूं, ये सिंधु घाटी सभ्यता का आज परिचय होने जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता का, और एक विस्तृत तरीके से, एक जबरदस्त तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन होने जा रहा है। बच्चे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज जो बारी है किसकी है, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की। बहुत सारे बच्चों ने मेरी क्लास देखी होंगी, सब बच्चे कह रहे हैं आप सर मस्त पढ़ाते, मस्त पढ़ाते। बच्चे, ये सिर्फ आपके देखने का नजरिया है, आपने ऐसा नजरिया देखा कि मेरा तो भाई साहब नजारा ही बदल गया। तो साथियों, शुरू करते हैं एक दमदार कक्षा में, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अच्छा, आज ही जुड़े हो रानी बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए साथियों, तो ये पूरा का पूरा सीन, आप ये वाला सीन देखो, बहुत प्यारा सीन है भाई साहब। आपने वो पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, कि मोहन जोदड़ो में बड़े बड़े भाई साहब स्नानागार थे। स्नानागार का मतलब है ये सीढ़ियां लगी हुई नीचे उतरने के लिए, और यहां पे आके नहाते थे लोग, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में स्विमिंग पूल बनते हैं। तो स्विमिंग पूल कोई आज की देन नहीं है, स्विमिंग पूल बहुत पुरानी बात है। तो आज पूरा का पूरा अच्छे से भाई साहब तुमको नहलाएंगे इसमें, ठीक है, जबरदस्त। हाँ, जो आपने लूसेंट अभी पढ़ी है, मतलब जो आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा है, उससे अच्छा आज पढ़ने जा रहे हो, इतना समझ लेना, ठीक है। चलो, तो साथियों यहां पे हेडिंग लगा लो, सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूं, मजा ना आए तो बताने बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को कैसे पढ़ते हैं, तो बस इतना आप सीखिए आज।
सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। बच्चे बहुत अच्छे समझिएगा, इस सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता। पूरा लेक्चर देखिएगा, आनंद आएगा आपको, पूरा लेक्चर देखिएगा। इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब मेरी बात समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर तुमको समझना है तो। हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहते हैं, पेपर में प्रश्न आएगा तो आपको याद भी रखना है कि जो प्रथम अवशेष थे, क्या याद रखना बच्चे, जो प्रथम अवशेष थे, यार चलिए चलिए, हड़प्पा सभ्यता बच्चे क्यों कहते तो याद कर लेना, प्रथम अवशेष, प्रथम अवशेष जो सिंधु घाटी सभ्यता के पाए गए, कहां मिले बच्चे, प्रथम अवशेष मिले हड़प्पा नगर में, हड़प्पा नगर में मिले, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। बच्चे इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा तो याद कर लेना, सबसे ज्यादा नगर, सबसे ज्यादा नगर, सबसे ज्यादा नगर बच्चे कहां पाए गए तो याद कर लेना, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। तो बहुत प्यारा सा प्रश्न आता है, सबसे ज्यादा नगर जो पाए गए बच्चे कहां पाए गए, सिंधु नदी के किनारे, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। हर एक प्रश्न समझोगे जबरदस्त तरीके से, ठीक है। प्रथम अवशेष जो इस सभ्यता के थे वो कहां मिले, हड़प्पा नगर में, और सबसे ज्यादा अवशेष कहां मिले बच्चे, सिंधु नदी के किनारे। मामला समझ में आया, हर एक चीज समझ में आएगा बिल्कुल, फिर बात समझना, फिर बात समझना बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। सबसे पहले, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में किसने बताया, सबसे पहले जो भाई साहब सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता के जो प्रमाण दिए, सभ्यता के जो प्रमाण दिए बच्चे, किसने दिए, बहुत प्यारा सा प्रश्न आता और किसी को नहीं पता होता, याद कर लेना। 1826 में, सारे एग्जाम के लिए आज की कक्षा सही है बच्चे, वीडियो को बस शेयर करते रहना, लाइक करते रहना। 1826 ईस्वी में, ठीक है, किसने दिए तो याद कर लेना, ये प्रमाण किसके द्वारा दिए गए तो बच्चे याद कर लेना, चार्ल्स मैसन के द्वारा, किसके द्वारा, चार्ल्स मैसन के द्वारा बच्चे, चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण सबसे पहले हड़प्पा नगर के किनारे दिए गए। कहां पे दिए गए, हड़प्पा नगर के किनारे। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा बच्चे, वीडियो को लाइक कर दो, जितने लोग देख रहे हो सब लोग लाइक कर दो जबरदस्त तरीके से, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद अगला पेपर में प्रश्न आएगा, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता। बहुत सारी सभ्यताएं हुई हैं, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बच्चे याद कर लेना, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी पूरे वर्ल्ड की, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी पूरे वर्ल्ड की, क्या नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे प्राचीन। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में कि सिंधु घाटी सभ्यता की आखिरकार आकृति कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की आखिरकार आकृति कैसी थी। मैं आकृति को अगर भाई साहब लिखूं ना तब भी आप समझ जाओगे, मैंने ये चित्र बना दिया, और मेरा बच्चा बच्चा जानता है, मेरा हर बचवा जानता है कि आकृति इसको कहते हैं त्रिभुजाकार। परीक्षा में प्रश्न आएगा तो ठोक दोगे भाई साहब कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार थी, कैसी थी, त्रिभुजाकार। एक मिनट के लिए सब लोग वीडियो को क्या कर दो भाई साहब, फटाक से बस लाइक कर दो और मजा आ जाए, बिल्कुल दिल खुश हो जाए यार, है कि नहीं, हाँ ये बस लाइक कर दो यार दबा के, बिल्कुल लाइक करोगे हमारा भाई साहब दिल ऐसे बाग बाग हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो इतनी बात समझ में आ गई, इसकी आकृति कैसी थी बच्चे, त्रिभुज आकार, ट्रायंगल शेप, ठीक है, ट्रायंगल शेप। तो इतनी बात समझ में आ गई। फिर बच्चे ये बात हो गई पूरा का पूरा सिंधु घाटी के सभ्यता के बारे में, यहां पे
आगे बढ़ते, अभी बहुत सारी चीजें हैं। अब यहीं पे मैं दो तीन चीजें और बता दूं आपको। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को बच्चे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। किस नाम से बोलते हैं इसको? हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। और कांस्य युगीन सभ्यता बच्चे याद कर लेना, तुम सबको पता है मनुष्य के द्वारा खोजा गया पहली धातु क्या थी? तांबा। क्या थी? तांबा। और बच्चे मनुष्य के द्वारा खोजी गई पहली धातु थी तांबा, और तांबा में बच्चे क्या मिला दो? टिन। ये आपका केमिस्ट्री का प्रश्न हो गया कि तांबे में अगर बच्चे टिन को मिला दो, हां तांबे में अगर टिन को मिला दो तो बच्चे बन जाता है कांसा। तो क्या बन जाता है? कांसा। और मनुष्य के द्वारा जो भाई साहब धातु पहली खोजी गई थी उसका नाम है तांबा, और तांबे में जैसे हमने टिन को मिलाया वो बच्चे बन गया क्या? कांसा। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने टिन को मिला दिया था बच्चे। इसीलिए पेपर में प्रश्न आता कि इस सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। मजा आ रहा ना भाई साहब? ठोको लाइक यार। चलो फिर देखो, तो इतना हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है बच्चे? बहुत बढ़िया। सब पास। रागनी सिंह सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। हाँ हिस्ट्री का मैं डेली क्लास लूंगा। बस तुमको डेली क्या करना है भाई साहब? वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, मजे से। स्क्रीनशॉट हो गया, आगे बढ़ू। हाँ पूनम जी पूछ रहे सर आप बता दीजिए आप डेली क्लास कब लेते हैं? तो बच्चे डेली मैं क्लास लेता हूँ शाम को 7 बजे। कितने बजे क्लास लेता हूँ? शाम को 7 बजे। दिख रहा है सबको? बहुत प्यारा, सबको दिख रहा है, जबरदस्त है ना। चलो अब मैं बात कर लेता हूँ, आप सब फिर हेडिंग यहाँ पे लगा लेना। क्या लगाओगे? सिंधु घाटी सभ्यता। अभी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, ऐसा पढ़ोगे कि भाई साहब आपको मजा आ जाएगा। श्योर, नो डाउट। चलो अब बच्चे यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरी क्रांति भी कहा गया। प्रथम नगरी क्रांति, फर्स्ट अर्बन रिवोल्यूशन। प्रथम नगरी क्रांति बच्चे किसे कहा गया? तो आप सब तैयार कर लेना, प्रथम नगरी क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता को कहा गया। अब बात आती बच्चे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी बच्चे? यहां पे ये एक प्रकार से नगरी सभ्यता थी, ये एक प्रकार से नगरी सभ्यता थी। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि नगरी सभ्यता आखिरकार क्यों थी, हर एक प्रश्न बताऊंगा, मजा आएगा। ठीक है बच्चे, प्रथम नगरी क्रांति ये बात बच्चे किसने कही? ये पेपर में प्रश्न आता है कि आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरी क्रांति, फर्स्ट अर्बन एक प्रकार से रिवोल्यूशन किसने कहा? तो बच्चे याद कर लेना, गार्डन चाइल्ड नामक व्यक्ति ने। तो याद कर लेना, गार्डन चाइल्ड नामक जो इतिहासकार थे इन्होंने बच्चे सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरी क्रांति कहा था। ठीक है, फिर बहुत ध्यान समझिएगा, इसको क्या कहा गया था? नगरी सभ्यता कहा गया था। सबको पता है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। नगरी क्रांति बच्चे, नगरी सभ्यता क्यों कहा गया? तो याद कर लेना, जो नगर बनाने में, जो यहां के नगर बने थे ना वो किस पर बने थे? तो आप समझ लेना, यहां के जो नगर बने थे ना वो ग्रिड सिस्टम पे बने थे, ग्रिड सिस्टम। अब तुम कहोगे सर जी ग्रिड सिस्टम क्या होता है? तो बच्चे ग्रिड सिस्टम को कहते हैं जाल पद्धति। आपने पता पढ़ा होगा या देखा भी होगा, सभी के घरों में जंगला लगे हुए हैं, जंगला लगे हुए हैं बच्चे। जब जंगला लगे हुए हैं और जंगले का आकार इस प्रकार होते हैं, इस प्रकार जंगला होता है बच्चे, एक तरह से कह सकते हो कि एक लाइन दूसरे लाइन को समकोण पर काटती है, वही होता है ग्रिड सिस्टम, जाल पद्धति। और बच्चे आपके घर में जो जंगला लगे होते हैं ना, जंगला भाई साहब आंगन वांगन में लगे होते हैं, अब तो शहर में जंगला वंगला भाई साहब बनवाते ही नहीं सब कोई। तो गांव में क्या होता है, जंगला अभी भी है,
वो ग्रिड सिस्टम पे होते हैं, उनको जाल पद्धति कहते हैं। तो इसलिए ये नगरी सभ्यता का सबसे बड़ा साक्ष्य था भाई साहब, एक प्रकार से कह सकते हो। जो लोग चेस खेलते होंगे, चेस खेलते होंगे, शतरंज जिसको कहते हैं, शतरंज के बिसात की तरह होती है, शतरंज के बिसात की तरह होती भाई साहब, शतरंज के बिसात की तरह। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई बच्चे नगरी सभ्यता के बारे में, सब पास। फिर बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, इसकी नगरी सभ्यता इसलिए फेमस और थी क्योंकि जो यहां पर ईंटों का प्रयोग हुआ था, ईंटों का जो प्रयोग हुआ था, पेपर में प्रश्न आता है बहुत बढ़िया, जो ईंटों का प्रयोग हुआ था बच्चे, जो ईंटें थी याद कर लेना, ईंटे की जो लंबाई थी अनुपात, चौड़ाई थी अनुपात ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बच्चे याद कर लेना, लंबाई 4 थी, चौड़ाई 2 थी और ऊंचाई 1 थी। जो यहां पर ईंटें प्रयोग हुई थी बच्चे, उन ईंटों का जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो जो था वो 4-2-1 था। ठीक है, 4-2-1 था, आ रहा ना बच्चे? बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना। ईंटें भी कई प्रकार की थी, जैसे कच्ची ईंटें भाई साहब, कच्ची ईंटों का वर्क क्या था तो मैं आपको बता दे रहा हूं, कच्ची ईंटों का यहां पर क्या वर्क था और पक्की ईंटों का क्या काम हुआ था, करता था, मतलब पक्की ईंटों से क्या बनते थे और कच्ची ईंटों से क्या बनते थे। यह बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि कच्ची ईंटों से आखिरकार क्या बनाया जाता था और पक्की ईंटों से क्या बनाया जाता था। तो बच्चे याद कर लेना, सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों से विशाल भवन बनाए जाते थे। भैया बड़े बड़े भवन बनाने हैं, कैसे बनाओगे? जब पक्की ईंटें होंगी तो याद कर लेना जबरदस्त तरीके से। क्या बात है, मजा आ रहा बच्चे? जबरदस्त। पुष्पा रानी, आज तक SST बहुत हार्ड लगता था, आपसे मिलने के बाद सब समझ में आ गया, थैंक्स सर। हाँ जबरदस्त। तो बच्चे लाइक शेयर क्यों रुके हो, ठोको भाई ठोको। चलो, विशाल भवन का जो निर्माण किया जाता था बच्चे, वो पक्की ईंटों से किया जाता था। किससे? पक्की ईंटों से। अब तुम कहोगे सर जी कच्ची ईंटों का प्रयोग हम लोग कहां करेंगे? कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे, तुम देखे होगे गांव में या घरों में भाई साहब, चबूतरे बने होते हैं। क्या बने होते? चबूतरे। चबूतरे मतलब समझो बैठे वाले, और गांव खेला जाता रहे का खल्ला ऊंचा, खल्ला ऊंचा मतलब भाई साहब ई पार थे उई पार जाना, और बीच में को छुई लीस तो वो छुआ करी, तो इके पीछे अब तुम जाना थी हो। तो बच्चे चबूतरा जो बने, अब तो शहर में भाई साहब इतनी जगह नहीं, कोठरीन तो भाई साहब तीनों का बिल्कुल भा वहां घर बना ली। चबूतरा जो बनते थे वो कच्ची ईंटों से बनते थे बच्चे। सड़क बनाई जाती थी, सड़क ये भी कच्ची ईंटों से बनाई जाती थी, कच्ची ईंटों से। बच्चे एक एक चीज बताऊंगा, बस इतना समझ लेना आप। हाँ सब बस। हाँ बहुत बढ़िया रितु डिमान, बहुत अच्छे सर डीपली पढ़ा रहे हो, थैंक्स। बस मजा आना चाहिए भाई साहब। चबूतरे और सड़क किस ईंटों से बनते थे? कच्ची ईंटों से। पक्की ईंटों से क्या बनते थे बच्चे? विशाल भवन, बड़े बड़े भवन पक्की ईंटों से बनते थे। ठीक है बच्चे, अब यहीं पे एक ईंट और थी, एक का नाम था फन्नीदार ईंटे भाई साहब। क्या नाम था? फन्नीदार ईंटे, फन्नीदार ईंटे भाई साहब। फन्नीदार ईंटों से पता क्या बनती थी? जल निकासी वाली चीजें। जल निकासी का मतलब समझते हो? अभी तुम देखे हो गांवन में जहां पर नाली नहीं है तो लोग गिर जावत है, लेकिन शहरन में बहुत गांवन में एक प्रकार से क्या बना देंगे? उई वाली नाली बना देंगे, ईंटा वाली प्लास्टर के देंगे। तो कहने का मतलब है फन्नीदार ईंटे हुआ प्रयोग की गई जहां पर जल निकासी की व्यवस्था की गई। किसकी व्यवस्था की गई बच्चे? जल निकासी। जल निकासी में जो नालियां बनाई गई बच्चे, वो फन्नीदार ईंटों से बनाई गई। ठीक है, फन्नीदार ईंटों से बनाई गई। तो कुल मिला के आपको पता चल गया होगा। ठीक है बच्चे, पूरा बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ईंटन का तुमको बता दी, मजेदार। दूसरा बात याद कर लेना, जो नगरी सभ्यता रही एमा भाई साहब टीला बने होते रहे, ये भी याद रखियो। एमा क्या बने होते रहे? टीला। तुमको बहुत अच्छे से बता रही, इतना समझ लेना, दो प्रकार के टीला रहे, एक पश्चिमी टीला एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला, दो प्रकार के टीला रहे बच्चे। जौनी भूमि का ज्यादा प्रयोग होता है वो धसत चलागा, धसत चलागा। तो याद कर लेना जो पूर्वी टीला था वो कम ऊंचाई पर था, इसकी हाइट क्या होती थी बच्चे? इसकी हाइट कम थी इसकी तुलना में,
और इसकी हाइट क्या थी? ज्यादा थी। दो प्रकार के टीले थे, आपको पता चल गया। मजा आ रहा नहीं मारा बच्चे? आपको पता है जब ऊंचाई ज्यादा हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? उसको हम लोग बोलते हैं दुर्ग, दुर्ग, दुर्ग टीला। बच्चे जिनकी ऊंचाई कम होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? निचला शहर, निचला शहर। ठीक है, और याद कर लेना, याद कर लेना बच्चे, कौन सा ऐसा नगर था, कौन सा ऐसा नगर था, कौन सा ऐसा नगर था जो तीन भागों में विभक्त था। यहां पे तुम्हारे सामने प्रश्न आ रहा, तैयार रहिएगा उस प्रश्न को भेदने के लिए। कौन सा नगर, कौन सा नगर जो तीन भागों में विभक्त था, तीन भागों में, बाकी तो सब दो ही भागों में थे, एक दुर्ग और एक निचला, लेकिन एकमात्र नगर कौन सा नगर जो तीन भागों में विभक्त था, तीन भागों में विभक्त था। और वो तीन भाग कौन से थे तो वो भी मैं तुमको बता दे रहा हूं। एक भाग बच्चे था दुर्ग वाला ऊपरी हिस्सा, एक था भाई साहब मध्य नगर, और एक था निचला नगर। तीन भागों में ये नगर विभक्त था, और उस नगर का बच्चे नाम क्या था तो आप सबको पता होना चाहिए। उस नगर का नाम और कुछ नहीं, कौन सा ऐसा नगर था जो तीन भागों में था, याद कर लेना, धौलावीरा। और एक बार कमेंट करके मेरे लाल मेरे शेर बता दी दो कि धौलावीरा जो भाई साहब नगर था वो किस राज्य में पड़ता, धौलावीरा नगर बच्चे किस राज्य में पड़ता। अगर ये तुमने ये बता दिया तो भाई साहब ये मान लीजिएगा हमारा दिल क्या हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा, और खुश हो जाएगा कि वास्तव में तुम लोग भाई साहब पढ़ते हो। हाँ, जबरदस्त, शाबाश, क्या बात है, जबरदस्त। हाँ, एकमात्र नगर जो तीन भागों में बटा था, भाग कौन कौन से थे? दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर, याद हो गया बच्चे? तुमको एक बड़ी बात बता दें, धौलावीरा का अर्थ क्या होता है पता है? धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं, सफेद कुआं। और बच्चे अभी मैंने तुमसे पूछा कि आखिरकार धौलावीरा जो है वो भारत में कहां पर है, तो मैं तुमको बता दे रहा हूं, धौलावीरा जो पड़ता है बच्चे वो कच्छ की खाड़ी में, कहां पे? कच्छ की खाड़ी में। और आप सब जानते होगे बच्चे कच्छ की खाड़ी कहां पड़ती है, याद कर लेना, कच्छ की खाड़ी और कहीं नहीं बच्चे गुजरात में पड़ती है। मजा आ रहा, मजा आ रहा बच्चा, बहुत बढ़िया। और ये भी याद कर लेना, जितने स्थल खोजे गए सिंधु घाटी, सबसे पहले तो बात मैं तुमको और बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत के, सॉरी, विश्व के कितने देशों में थी? तो एक याद कर लेना पाकिस्तान में, एक इंडिया में, और एक बच्चे अफगानिस्तान में। इतने देश थे जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान। क्लियर है बच्चे? तुमको मैं बता दूं जितने हड़प्पा स्थल खोजे गए, जितने, सब याद कर लेना, भारत का सबसे बड़ा स्थल, भाई साहब भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था तो याद कर लेना, भारत बढ़िया, मजा आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। हाँ, आर्मी स्टडी के लिए सुटेबल है, सबके लिए भाई साहब सुटेबल है। ठीक है, तो पता चल गया भारत में जितने हड़प्पा स्थल खोजे गए सबसे बड़ा स्थल बताओ बच्चे धौलावीरा। कौन सा ऐसा स्थल है जिसका अर्थ सफेद कुआं होता है? धौलावीरा, धौलावीरा भाई साहब कहां पर है? कच्छ की खाड़ी गुजरात में। और एकमात्र भाग भाई साहब जो तीन भागों में जहां पर नगर बटे हुए थे। ठीक है, दूसरी प्रश्न आता है, एक प्रश्न और आता है धौलावीरा का। यहां के मकान आपने पढ़ा जितने विशाल विशाल भवन बने हैं सब पक्की ईंटों से बने भाई साहब। क्या बने? पक्की ईंटों से। तो याद कर लेना यहां के मकान किसके बने थे? याद कर लेना यहां के मकान बच्चे कच्ची ईंटों के बने थे। किसके? कच्ची ईंटों के। तो ये पेपर में प्रश्न आता है यहां के मकान बच्चे किसके बने होते थे? कच्ची ईंटों से बने होते थे, कच्ची ईंटों से बने होते थे। कहां के मकान बच्चे? धौलावीरा के।
धौलावीरा के जो मकान है वो बच्चे कच्ची ईंटों से बने। पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ कहां मिलेगा तो बच्चे याद कर लेना, फिनिक्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है बच्चे, फिनिक्स एकेडमी के नाम का टेलीग्राम चैनल है और गूगल प्ले स्टोर में बच्चे एप्लीकेशन ऐप भी है। दोनों जगह जाकर बच्चे आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। क्लियर है? तुमने देखा कि भाई साहब पूरे हड़प्पा कालीन स्थल का कोई ऐसा स्थल नहीं था जो तीन भागों में बटा हो। एकमात्र स्थल जिसका नाम था बच्चे धौलावीरा, जिसका नाम था धौलावीरा। अगर तुमसे ये भी कहा जाए कि धौलावीरा के बच्चे खोज किसने की थी तो याद कर लेना, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। रविंद्र सिंह बिष्ट ने बच्चे किसकी खोज की थी तो याद कर लेना, धौलावीरा की। देखो एक प्रश्न से पूरा का पूरा धौलावीरा हमने निपटा दिया। क्या प्रश्न आया था कि कौन सा ऐसा नगर है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जो बच्चे पूरा का पूरा भाई साहब काम हो गया। ठीक है, प्रिया मदेसिया यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना है और अगर हमारी जीएस पढ़नी है तो आप त्रिशूल बैच में पढ़ लेना, पूरा पूरा भाई साहब पेपर भाई साहब फंसेगा। हाँ रोशन कुमार सर आपकी आवाज क्रांतिकारी की तरह है, धन्यवाद। आप सब भाई सब कुछ भी कहो, हाँ जबरदस्त सबके लिए है कंप्लीट हिस्ट्री, बिल्कुल जबरदस्त। नवीन कुमार डांगी रितेश बहुत बढ़िया। बच्चे लाइक और शेयर करते रहना। देखो मैं एक चीज का बहुत भिकमंगा आदमी हूं, कह सकते हो भिकमंगा। किसका भाई साहब? लाइक और शेयर का। बिल्कुल भाई साहब मांगूंगा क्यों नहीं, मेरा हक है। तुम सोच रहे हो ना मांगे। चलो अगला भाई साहब बात करते हैं। यहां पे हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। इतनी बात कंप्लीट हो गई। आगे देखो हम सिंधु घाटी सभ्यता को ऊपर इसलिए लिखे ले रहे हैं क्योंकि भाई साहब होंगे याद रहे। ठीक है चलो बच्चे, सिंधु घाटी सभ्यता का अगला आप यहां पर टॉपिक जो पढ़ेंगे समकालीन सभ्यता। मतलब बच्चे आपने सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा नगर विन्यास, नगर सभ्यता हमने पूरी समझा दी भाई साहब जबरदस्त तरीके से, हर चीज के लिए, बीपीएससी यूपीएससी सबके लिए भाई साहब। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। हाँ तो भाई साहब पूरी हमने समझा दी। अब बात आती है कि चलिए समकालीन सभ्यता, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन भाई साहब। ठीक है जबरदस्त। हाँ त्राइमाम मचा रहे हो सर आप सिंधु घाटी सभ्यता का। बिल्कुल समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी बच्चे? एक मैं तुमको बता दूं, एक सभ्यता तो इसके समकालीन थी चीन की सभ्यता, लेकिन अगर सबसे पुरानी सभ्यता की बात करें तो भाई साहब हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता याद कर लेना। एक इसके समकालीन सभ्यता थी जिसका नाम था भाई साहब चीन की सभ्यता। एक सभ्यता और इसके समकालीन है जिसका नाम है बच्चे मिस्र की सभ्यता। क्या नाम है? मिस्र की सभ्यता। और बच्चे परीक्षा में प्रश्न आता है कि मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे है तो याद कर लेना नील नदी के किनारे बच्चे। सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन एक सभ्यता है जिसका नाम है बच्चे मिस्र की सभ्यता। किस नदी किनारे? नील नदी किनारे। अब तुमको एक प्रश्न और बता दें यहीं पर, नील नदी का उद्गम पेपर में प्रश्न आता है, नील नदी का उद्गम कहां से होता है और मुहाना कहां पे? बच्चे हमने पानी मान लो ये भाई साहब ये फेंका यहां से तो ये उद्गम हुआ और जहां पे जाके गिरा वो मुहाना हुआ। तो कहने का मतलब है जो नील नदी निकलती है जो उद्गम होता है ओरिजिन पॉइंट होता वो भाई साहब कहां? तो याद कर लेना नील नदी का उद्गम बच्चे होता है विक्टोरिया झील से। कहां से होता? विक्टोरिया झील से। बच्चे नील नदी का मुहाना मतलब जाके गिरती कहां पर है बच्चे? याद कर लेना मेडिटेरियन सी, मतलब भूमध्य सागर, मतलब भूमध्य सागर। और बच्चे याद कर लेना विक्टोरिया झील किस देश में पड़ती है तो बच्चे याद कर लेना तंजानिया। कल ही अभी हमने तुमको अफ्रीका का मैप पढ़ाया था अच्छे से, तंजानिया। बच्चे याद कर लेना तंजानिया की राजधानी क्या है? लो भाई साहब हिस्ट्री से ज्योग्राफी आ गई यार। तंजानिया
तंजानिया की राजधानी बच्चे दोदोमा, क्या नाम है? दोदोमा, अरे ओ दोदोमा भाई साहब, ये तंजानिया की राजधानी है बच्चे। यहीं पे प्रश्न बनता है नील नदी की देन, तो याद कर लेना नील नदी की देन किसे कहते हैं, पेपर में प्रश्न आता तो आप बता दोगे नील नदी की देन बच्चे मिस्र को कहते हैं। बच्चे यहीं पे पेपर में प्रश्न आता है मिस्र की राजधानी क्या होती है, मिस्र की राजधानी बच्चे जिसको हम लोग बोलते हैं काहिरा, क्या बोलते हैं? काहिरा। बच्चे मिस्र को हम लोग इजिप्ट के नाम से जानते हैं। बच्चे यहीं पे प्रश्न आता है कि नील नदी पर कौन सा बांध स्थित है, तो बच्चे आप सब बता देना नील नदी पर अस्वान बांध स्थित है। कौन सा? अस्वान बांध। तुमको भाई साहब मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है? तुमको मजा आया हो तो लाइक करना। देखो सभ्यताओं से कहां पर उदय हो रहा बच्चे, इस प्रकार तुमको पता चल गया इसके समकालीन चीन की सभ्यता, इसके समकालीन मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे स्थित है और नील नदी का उद्गम बच्चे विक्टोरिया झील से होता है और नील नदी का जो मुहाना बनता है वो भूमध्य सागर में जाकर गिरता है। बच्चे विक्टोरिया झील किस देश में है, तो याद कर लेना तंजानिया नामक देश में जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। बच्चे तंजानिया की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोदोमा, 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 ठीक है बच्चे। नील नदी की देन किसे कहते हैं बच्चे, याद कर लेना मिस्र को कहते हैं। बच्चे नील नदी पर एक बांध स्थित है और उस बांध का नाम है अश्वान बांध। क्या नाम है? अश्वान बांध। मजा आ रहा, मजा आ रहा, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, चलो जबरदस्त। तुम्हें अगर मजा आ रहा भाई साहब तो वीडियो को लाइक करना, तो अपने साथियों को लिवा के लाना। कह दो तुमने पढ़ा सब जगह होगा, एक बार जरा यहां पर विचरण करके देख लो, तुमको मजा आया तो भाई साहब आना, ठीक है। चलिए बच्चे तीसरी कौन सी सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है, तो जरा ध्यान दीजिएगा हमारी वाणी पे, वो सभ्यता बच्चे कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्या बात है भाई साहब, दिल खुश हो गया होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता का नाम सुन के। क्यों? क्योंकि ये तो भाई साहब बहुत सुने हो तुम लोग। तीसरी समकालीन सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। यहां पे मेरे बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि बच्चे आप ये भी सीखो और ये भी सीखो, पेपर जहां से आए वहां से पेपर को भाई साहब वहां से उड़ाओ, वहां से उड़ाओ, कहीं से तुमको ये ना लगे कि तुम कमजोर हो भाई साहब। हाँ ठीक है, कितने बजे से क्लास स्टार्ट होता है सब बच्चों को मैं बताना चाहता हूं। अगर तुम हमसे वास्तव में पढ़ना चाहते हो, सीरियस स्टूडेंट हो, तो बच्चे डेली शाम 7 बजे आके जुड़ जाना फिनिक्स एकेडमी चैनल पे। और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार बटन दबा दियो, खट 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 काट, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इतनी बात समझ में आ गई बच्चे, डेली शाम 7 बजे बिल्कुल। आगे देखो मेसोपोटामिया की सभ्यता। सबसे पहले तुम्हारा दिमाग चल गया होगा कि आखिरकार मेसोपोटामिया बच्चे किस देश में है, तो आप बता देना मेसोपोटामिया इराक में है। कहां पे? इराक में। कहां पर है बच्चे? इराक में। कहां पर है? इराक में। अगला प्रश्न आएगा कि आखिरकार इराक की राजधानी क्या है वर्तमान में, तो आप सब जानते होंगे इराक की राजधानी बच्चे बगदाद है, बगदाद, 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 क्लियर है? हाँ बहुत बढ़िया, जबरदस्त। फिर बच्चे तुमसे कहा जाए मेसोपोटामिया की सभ्यता बच्चे कौन सी नदियों के किनारे विकसित हुई थी, क्योंकि जितनी सभ्यताएं हुई सारी की सारी कुछ ना कुछ नदियों के किनारे हुई भाई साहब। कौन सी नदियों के किनारे? एक नदी का नाम बच्चे दजला है और दूसरी नदी का नाम बच्चे फरात है, याद कर लेना। एक दजला नदी किनारे विकसित हुई और फरात नदी किनारे, दजला फरात दो नदियों के किनारे बच्चे ये सभ्यता विकसित हुई थी। बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर चलेगा डेली शाम 7 बजे। आप सब अपनी लूसेंट की किताब रख लेना, वीडियो को शेयर कर देना और जिन साथियों ने भी लाइक नहीं किया तो इस मास्टर के नाम पे एक लाइक दे देना, ठीक है।
बहुत बढ़िया, हाँ जबरदस्त, शाबाश शाबाश। बच्चे तुमसे अगर कहा जाए, क्या कहा जाए, दजला नदी का वर्तमान में नाम क्या है, दजला तो पुराना नाम है, दजला नदी का वर्तमान में नाम क्या है, तो बच्चे आप बता देना टिग्रिस। दजला नदी को वर्तमान में बच्चे हम लोग टिग्रिस के नाम से जानते हैं। बच्चे फरात को क्या कहते हैं, तो याद कर लेना यूफेरट्स, यूफेरट्स। बच्चे पेपर में प्रश्न आता है, दजला एवं फरात दोनों नदियों के मुहाने पर कौन सा शहर स्थित है, याद कर लेना बसरा शहर, बसरा शहर। बच्चे बसरा शहर जो है वो कौन सी दो नदियों के मुहाने पर स्थित है, मार दिया चौका भाई साहब, पड़ गया, आ गया ना मजा, शाबाश मेरे शेर, शाबाश। अभी तुमको तो बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं, अभी तुमको मैं बताने जा रहा हूं, इतना समझ लेना, ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल, इतनी बात समझ में आ गई बच्चे। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक नामक देश की है, इराक की राजधानी बगदाद है, और बच्चे मेसोपोटामिया सभ्यता दो नदियों के किनारे, बच्चे दजला एवं फरात। दजला को टिग्रिस कहते हैं वर्तमान में, फरात को यूफेरट्स कहते हैं, और जहां पे दोनों आके जुड़ती हैं, मतलब गिरती हैं, मुहाना बनाती हैं, उसको बच्चे बसरा शहर वहां पे स्थित है। बसरा शहर बच्चे ईरान में पड़ता है। अभी मैं तुमको भाई साहब एक और बेहतरीन चीज बताता हूं, मैंने आपको क्या बताया साथियों, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा जरा, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता बच्चे किस देश में है, तो एक बार देख लेना किस देश में, इराक में है, इराक की राजधानी बच्चे क्या है, बगदाद है, क्लियर है। बच्चे मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों पर है, तो आपको पता चल गया एक दजला नदी पर है और एक फरात नदी पर है। बच्चे दजला नदी, दजला नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं, दजला नदी को वर्तमान में बच्चे टिग्रिस के नाम से जानते। बच्चे फरात नदी को वर्तमान में क्या कहते, फरात नदी को वर्तमान में यूफेरट्स कहते। अब बात समझना, जो मैं बताना चाहता हूं वो समझना, जो मैं बताने आया हूं, ठीक है, चलो क्या बताने आया हूं तो बात समझना। बच्चे मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वहां पर एक बंदरगाह स्थित है, यही तो भाई साहब मजा है कि आप कितना अच्छा पढ़ते हैं, आप कितना अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है। बच्चे यहां पर एक बंदरगाह है, पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, उस बंदरगाह का नाम क्या है, ढिलमुन बंदरगाह, क्या नाम है, ढिलमुन बंदरगाह, तो याद कर लेना ढिलमुन बंदरगाह। बच्चे कहां पर है, ढिलमुन बंदरगाह स्थित है कहां पे, मेसोपोटामिया की सभ्यता पर स्थित। बच्चे यहां पर जो बंदरगाह है उसका नाम है ढिलमुन बंदरगाह, ढिलमुन बंदरगाह, आ रहा ना मजा, शाबाश। बच्चे मैं तुमको बहुत बड़ी बात बता दे, ढिलमुन बंदरगाह वर्तमान में कहां पड़ता है, बच्चे याद कर लेना बहरीन, क्या नाम है, बहरीन, बहरीन नामक देश में, और याद कर लेना ढिलमुन को क्या कहते हैं, ढिलमुन को हाथियों का देश कहते हैं, हाथियों का देश कहते हैं। ढिलमुन को हाथियों का देश कहते हैं, पेपर में बहुत प्यारा आता है कि ढिलमुन को भाई साहब क्या कहते हैं, हाथियों का देश कहते हैं, ठीक है। हाँ बच्चे किस देश में पड़ता है, बहरीन, और याद कर लेना बहरीन को मोतियों का द्वीप कहते हैं, बहरीन को मोतियों का द्वीप कहते हैं, और याद कर लेना बहरीन की राजधानी क्या होती है, बहरीन की बच्चे जो राजधानी की बात करें उसको हम लोग मनामा कहते हैं, मनामा, और एक होता है पनामा, पनामा एक होता है शहर, और उसको बच्चे राजधानी होती है पनामा सिटी, बिल्कुल। थाईलैंड को बच्चे सफेद हाथी, हाथियों का देश कहते हैं सिर्फ ढिलमुन को, बच्चे याद कर लेना। एक प्रश्न और, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स मतलब सफेद हाथियों की भूमि, सफेद हाथियों की भूमि,
बच्चे सफेद हाथियों की भूमि किसे कहते हैं? तो याद कर लेना, सफेद हाथियों की भूमि बच्चे बोलते किसको? थाईलैंड को। किसको? थाईलैंड को। क्लियर है? थाईलैंड जिसकी राजधानी बैंकॉक होती है। क्या होती है? बैंकॉक। बच्चे अगला प्रश्न यहीं पे आएगा, हजार हाथियों की भूमि को क्या बोलते हैं? हजार हाथियों की भूमि के देश को क्या कहते हैं? हजार हाथियों की भूमि का देश क्या कहलाता है मेरे लाल? तो बच्चे याद कर लेना, उसको हम लोग लाओस कहते हैं। लाओस कहते हैं, खामोश। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। रॉलेट एक्ट के बारे में बताओ, ये सब चीजें नॉर्मल है भाई साहब। 1917 में सेडिशन कमेटी के अनुसार एक अंग्रेजों ने कानून बनाया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में भारत में लागू किया गया, जो बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का था। और ये इसलिए था क्योंकि भाई साहब अंग्रेज भारतीयों पर शिकंजा कसना चाह रहे थे। और इस एक्ट के तहत डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की भाई साहब गिरफ्तारी कर ली गई, जिसका विरोध सारे भारतीय अमृतसर के जलियांवाला बाग में कर रहे थे, जहां पर जनरल ओडायर को पता चलता है और जाके गोलियां चला देता, धाएं 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 धाएं, भाई साहब जितने सारे नरसंस भारतीयों की हत्या हो जाती है, जिसके बाद वो जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो तीन महापुरुष थे जिनके नाम थे रविन्द्रनाथ टैगोर, ने उसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की, जमनालाल बजाज ने सर की। और बच्चे जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हुआ था। एक भारतीय इतिहास का सबसे दर्दनाक दिन था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो जांच के लिए आयोग बना, उसका नाम था हंटर आयोग। हंटर आयोग। क्लियर है? मैंने बता दिया। आप ये मत कहना सर जी लिख के बताओ, मैंने पूरा बता दिया आपको बेहतरीन तरीके से। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, सोनू कुमार आर्यन, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक बार वीडियो को भाई साहब क्या कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। मजा आया हो तो भाई साहब वीडियो को लाइक करना, मजा आया हो तो भाई साहब वीडियो को लाइक करना, मजा ना आया हो तो अभी भी मत लाइक करना, अभी भी मत लाइक करना। लेकिन तुम मजा आया हो तो भाई साहब लाइक करना, क्योंकि अब मैं बताने जा रहा हूं थोड़ा सा आगे। अब भाई साहब बढ़ता हूं मैं आगे की तरफ, तो आप सब उस आगे के बहुत बढ़िया। आज साथियों तुमने उस मुकाम को छुआ दिया जिसका मुझे पिछले कुछ दिनों से इंतजार था। और मैं चाहता हूं ये क्लास, हिस्ट्री की क्लास, एक अपने आप में अद्वितीय क्लास हो, अद्भुत क्लास हो, और सब जगह इस क्लास के चर्चे हो। केवल किसकी वजह से? उसके, आपकी वजह से। ठीक है, बहुत बढ़िया। हां बच्चे आगे आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बच्चे बहुत जबरदस्त टाइम पीरियड, टाइम पीरियड किसका भाई साहब? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड। बच्चे क्या देखते हैं? तो देखो देखो भाई, देखो देखो देखो, चलो किसका बच्चे टाइम पीरियड? सिंधु घाटी सभ्यता का। मैं सब बच्चों को इंडिकेट करना चाहता हूं, जिन बच्चों ने हमारी क्लासेस नहीं देखी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना हिस्ट्री की। सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल रहा वो क्या माना गया, तो बच्चे याद कर लेना, बहुत जबरदस्त तरीके से बताने जा रहा हूं। जो सबसे ज्यादा शर्मान भाई साहब तिथि मानी जाती है, बिल्कुल हां, शाबाश मेरे शेर, जबरदस्त। हां बिल्कुल भाई, बता तो रहा हूं यार, का इंतजार करो। चलो बच्चे, जो टाइम पीरियड माना जाता है 2500 BC से 1500 BC। बीसी का मतलब होता है ईशा पूर्व, ईशा पूर्व। और बीसी का मतलब होता है बच्चे क्या होता है? तो याद कर लेना बीसी, देखो यार सुशील कुमार कह रहे हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे? क्या करूं भाई साहब, मैं रोने लगूं क्या यार? इतना बढ़िया बता के आया हूं, दिल दुखी कर देते हो। दुखी मैं इस बात से नहीं हूं कि मुझे दोबारा बताना पड़ेगा, दुखी इस बात का हूं कि आप लोग लगातार क्लास देखते नहीं हो यार, बस दुख इस बात का है, हल्ट करते हो यार।
हर्ट वाला नहीं, दिल वाला, HERT, हर्ट मतलब HURT, दुखी करने वाला, तोड़ देते हो भाई साहब। चलो बच्चे, इसका जो टाइम पीरियड माना गया 2500 BC से 1500 BC, ठीक है, याद कर लेना। ये किसके आधार पर? कार्बन डेटिंग के आधार पर, कार्बन डेटिंग के आधार पर बच्चे, कार्बन डेटिंग एक पद्धति है उसके आधार पर। अब तुमको मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, आज ध्यान से समझिएगा। कार्बन डेटिंग आखिरकार होता क्या भाई साहब, होता क्या? कार्बन डेटिंग वो होती है, आप सबको पता है, ये अगर भाई साहब ये है, इसमें भी कार्बन है, मैं हूं उसमें भी कार्बन है, और मैं मर जाऊंगा मुझे गाड़ दिया जाएगा, भाई साहब मुझ में भी कार्बन रहेगा तब भी, लेकिन जब मेरे अवशेष निकाले जाएंगे तो भाई साहब उसमें कार्बन के मेथड से पता लिया जाएगा कि मेरे अवशेष कितने साल। चलिए, कार्बन डेटिंग का आखिरकार विकास किसने किया? नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूं। कार्बन डेटिंग को भाई साहब बताने वाले उस इतिहासकार का नाम था, 1940 में इस मेथड को खोजा था। किसने? किसने भाई साहब? बहुत तगड़ी चीजें बता रहा हूं, अगर अभी भी तुम ना समझ पाए तो बेकार है, इतना समझ लेना। बिलार्ड, फ्रैंक, लिब्बी, नाम याद कर लेना। बिलार्ड, फ्रैंक, लिब्बी, इन्होंने भाई साहब कार्बन डेटिंग पद्धति की खोज की थी। आज तुम पहली बार जान लो, पहली बार जान लो बच्चे, किन्होंने खोज की थी, सब पता चल गया। लूसेंट टीचर्स हैज नेवर सीन बेटर देन यू राघव सर, थैंक यू, आप सबका इतना प्यार, बिल्कुल। फिनिक्स एकेडमी भाई साहब कह रही है लाइक शेयर करो सभी, शेयर शेयरनी बच्चे हमारे, तो तुम बचुआ हो, क्या हो? बचुआ, ठीक है, जबरदस्त वॉइस आ तो रही है भाई साहब, अब तो बढ़िया वॉइस आ रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चेक करो भाई। चलिए, वॉइस आ रही ना, बहुत बढ़िया। चलो, तो कार्बन डेटिंग का पता चल गया, किसने खोजा, सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। सर आप पहले टीचर ऐसे हो जिसने बहुत से बच्चों को लूसेंट में इंटरेस्टेड किया है, थैंक यू, थैंक यू, लव यू। चलो बच्चे, एक तो ये काल, अब मैं तुमको बताना चाह रहा हूं अगला जो काल जो माना गया बच्चे, वो किस आधार पे माना गया, तो याद कर लेना। एक अगला काल माना गया किस, सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक रही, तो 2300 BC से 1750 BC तक, और ये किस आधार पे, तो एक इतिहासकार थे जिनका नाम था DP अग्रवाल। DP अग्रवाल ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता इस टाइम पीरियड के बीच में थी, इस टाइम पीरियड के बीच में थी, ठीक है, हाँ, तो याद कर लेना बच्चे। तो लेकिन अगला भाई साहब, यहां पे तुमसे जब प्रश्न पूछा जाए, क्या पूछा जाए, कि एक व्यक्ति का नाम था जॉन मार्शल, इन्होंने बताया 3250 से 2750 BC के बीच टाइम पीरियड किसने सिंधु घाटी सभ्यता का बताया, तो बच्चे याद कर लेना, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने बताया कि भाई साहब इनका टाइम पीरियड इनके बीच में था, ठीक है। अकबर आलम कह रहे, कैसे हैं सर, मैं अकबर मुखर्जी नगर से। अकबर भैया मैं अच्छा हूं, आप बढ़िया हैं, उम्मीद करते हैं, आप सब आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आज बड़े दिन बाद हमसे मिल रहे होंगे ना, भूल गए थे तो भाई साहब भूला ओला मत करो, ठीक है, बस इतना समझ लो। आप सबका प्यार बना रहा तो आप सब अगर मोहब्बत करते रहे, बस इतना बजा, समय नोट कर लेना, डेली शाम 7 बजे, कितने बजे बच्चे, डेली शाम 7 बजे। और जिन साथियों ने हमारा लूसेंट का वीडियो नहीं देखा कि लूसेंट कैसे पढ़े, भाई साहब पढ़ लेना, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये जॉन मार्शल ने बताया था, अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। ये टाइम पीरियड तो ऐसे बहुत सारे हैं, अर्नेस्ट मैकर ने कहा था, व्हीलर ने कहा था, CG गैड ने कहा था, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने टाइम पीरियड दिए, लेकिन मुझे क्या करना भाई साहब, मुझे जरूरत जितना उतना पढ़ो। पेपर में प्रश्न आता कि सबसे सर्वमान्य काल निर्धारण
भाई साहब सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा रहा? शर्रोमान काल निर्धारण बच्चे सिंधु घाटी सभ्यता का कार्बन डेटिंग वाला रहा, और इसी को मार्टिन व्हीलर ने कहा था। किसने कहा था? मार्टिन व्हीलर ने कहा था इसके बारे में। ठीक है बच्चे, अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, अगर समझना चाहते हो तो समझ लेना। क्या समझोगे? जिस प्रकार क्या, जिस प्रकार भाई साहब बार बार मैं कह रहा हूं, जिस प्रकार आवाज नहीं आ रही, आवाज आ तो रही है यार, चलिए अब चली गई, पक्का चली गई। साथियों जिस प्रकार मेरी भी एक भौगोलिक स्थिति है, उत्तर में यह है, दक्षिण में यह है, भाई साहब पूरब में ये, पश्चिम में ये, उसी प्रकार एक यहां पे हेडिंग लगा देना, हड़प्पा सभ्यता के चार भौगोलिक स्थल, हड़प्पा सभ्यता के चार भौगोलिक स्थल, चार भौगोलिक स्थल। जिस प्रकार लोगों को लगता है कि हड़प्पा स्थल भाई साहब पूरे विश्व में फैली थी, ना बाबा ना, पूरे विश्व में हड़प्पा सभ्यता नहीं थी भाई साहब, पूरे विश्व में नहीं थी, ये चार दिशाओं में अपना अपना एरिया कवर किए थे। जैसे उत्तर में हड़प्पा कहां तक फैली थी? मांडा, मांडा जगह का नाम पड़ता है, राज्य बच्चे जम्मू एंड कश्मीर पड़ता है। मांडा किस नदी के किनारे थी? चिनाब, क्योंकि कोई भी हड़प्पा सभ्यता थी वो नदी वहां पर जरूर होती थी। ठीक है बच्चे, अगर पूर्वी हिस्सा पूछते हैं कि पूर्वी विस्तार कहां पर था हड़प्पा सभ्यता का, तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहां पड़ता बच्चे? मेरठ में पड़ता। मेरठ बच्चे कहां पड़ता? यूपी में पड़ता। बच्चे आलमगीरपुर किस नदी किनारे पड़ता? हिंडन नदी किनारे, हिंडन नदी। और ये भी याद कर लेना, हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? तो हिंडन नदी जो सहायक नदी है वो किसकी है? यमुना नदी की, यमुना नदी की सहायक नदी है हिंडन नदी। क्लियर है बच्चे? एक प्रश्न बता रहा हूं यार, काय परेशान हो। चलो बच्चे, जो पश्चिमी भाई साहब क्षेत्र था सिंधु घाटी सभ्यता का, उसका नाम था सुत कांगेडोर। सुत कांगेडोर बच्चे किस नदी किनारे था? दास्क नदी। कौन सी नदी? दास्क नदी। बच्चे सुत कांगेडोर कहां पे पड़ता है? तो याद कर लेना, पश्चिमी बलूचिस्तान, ये नदी हो गई, ये बच्चे पश्चिमी बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरिया में पड़ता है। ठीक है बच्चे, जो दक्षिणी हिस्सा था, आवाज आ तो रही, क्या है मजाक कर रहे हो यार, फिर दिल तोड़ते हो बार बार, वाइस 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 वाइस। हाँ पीडीएफ दे देंगे भाई, दे देंगे पीडीएफ, दे देंगे बच्चे, रुको मैं खुद वाइस चेक करूं। तुम पहले अपना भाई साहब वो करो, लाइक शेयर दबाओ जल्दी से, मैं खुद चेक करता हूं भाई साहब, तुम लोग झूठ बोलते हो। आ तो रही है मेरे लाल, मेरे बच्चे बिल्कुल आ रही है वाइस, जबरदस्त आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। चल बच्चे, अब बात आती है हड़प्पा सभ्यता का जो दक्षिणी हिस्सा था वो कहां पड़ता है? दैमाबाद, दैमाबाद बच्चे, दैमाबाद कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। बच्चे पेपर में प्रश्न आता है कि दैमाबाद किस नदी किनारे, बच्चे याद कर लेना प्रवरा नदी। कौन सी नदी? प्रवरा नदी। फिर पेपर में प्रश्न आता है कि प्रवरा नदी बच्चे किस नदी की सहायक नदी है, तो याद कर लेना गोदावरी नदी की, गोदावरी नदी की सहायक नदी बच्चे क्या नाम है? प्रवरा। क्या नाम है? प्रवरा। प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी बच्चे। क्लियर है बच्चे? बहुत अच्छे से याद कर लेना, जो तुमको और चीजें बताने जा रहा हूं, ये तुमको बताएगा नहीं कोई, समझते जाओ। पेपर में प्रश्न आता कि तांबे का रथ कहां मिला, तांबे का रथ कहां मिला बच्चे? तांबे का रथ जो हमें मिला वो कहां पे मिला? दैमाबाद महाराष्ट्र। क्लियर है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हां तांबे का रथ दैमाबाद महाराष्ट्र से मिला। क्लियर है? समझ में आ गया बच्चे? फिर याद कर लेना बच्चे, बहुत बढ़िया सब। बस बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दो भाई साहब, वीडियो को लाइक कर दो जबरदस्त तरीके से, बहुत बढ़िया सब बास मेरे लाल, मेरे शेर।
सुत कांगे डोर से बच्चे क्या मिलता है? तो याद कर लेना, सुत कांगे डोर से बच्चे मिलते हैं प्राकृतिक चट्टान के अवशेष, प्राकृतिक चट्टान के अवशेष, ये याद कर लेना। प्राकृतिक चट्टान के बच्चे अवशेष कहां से मिले? सुत कांगे डोर, जो दास के नदी किनारे है पश्चिमी बलूचिस्तान। सुकेत जी कह रहे हैं और सब्जेक्ट कब पढ़ाते हो बच्चे? और सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूं, सब पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो आज तो सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन पीडीएफ चाहिए तैयारी करने के लिए। बच्चे राकेश कनवाल सर मुझसे आप मुझे आपसे मिलना है, कहाँ मिलोगे आप? बच्चे अगर आप मिलने के इच्छुक हैं अगर हमसे आप, तो ये आपका बड़प्पन है। मैं मुझ जैसे एक छोटे शिक्षक से आप मिलने आ रहे हैं, मतलब कह सकता हूं मैं भाई साहब ये आपका बड़प्पन है, क्योंकि मैं तो भाई साहब धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ऐसे। आशुतोष जी मैं पीडीएफ आपको फिनिक्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। कहां पे दूंगा? फिनिक्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। बच्चे प्राकृतिक चट्टान के अवशेष सुत कांगे डोर से मिले, तांबे का रथ दैमाबाद से मिला, और आलमगीरपुर से याद कर लेना बच्चे क्या मिला? रोटी बनाने वाले बेलन। बहुत पेपर में प्रश्न आता है, किसी को नहीं पता है भाई साहब रोटी बनाने वाला जो बेलन था वो कहां से मिलता है? आलमगीरपुर। भाई साहब कहां से मिलता है? आलमगीरपुर। बिल्कुल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पढ़ो भाई। टाइम बता दे शाम को डेली 7 बजे। कितने बजे? डेली शाम। भाई साहब आज 1000 लाइक का टारगेट है, 1000 लाइक का टारगेट, इसीलिए 1000 लाइक भाई साहब ठोक देना, बहुत कम संख्या बची है। हाँ बहुत बढ़िया सर जी, बहुत जबरदस्त पढ़ाए आप, रोज पढ़ाइएगा, बिल्कुल पढ़ाएंगे, बस आप डेली शाम 7 बजे इस कक्षा में अपनी उपस्थिति दे देना आके, मैं खड़ा रहूंगा। और हाँ 7 बजे से अगर 7:05, 7:10 हो जाएगा घबराना मत भाई साहब, उन्नाव जिले में रहता हूं, उन्नाव जिला गरीबों का जिला है, जहां पे भाई साहब तकनीक की संसाधन बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है, और यहाँ पे कह सकते हो आप कि भाई साहब जिस प्रकार मैं इस कक्षा को चला रहा हूँ वो मैं ही जानता हूँ। एक दिन मैं तुमको अपने स्टूडियो का टूर कराऊंगा, जिसमें मैंने 4 बैटरे लगाए हैं एक बोर्ड को चलाने के लिए, और पन्नियां लगाई हैं बच्चे जिसमें आपको रिफ्लेक्शन ना पड़े, क्योंकि भाई साहब आपको पढ़ाना है, बस इतना समझ लेना, ठीक है। हाँ दीप्ति विश्वकर्मा सर मैं कुछ बन जाएंगे तो आपकी कृपा से तो विद गिफ्ट मिलने जरूर आएंगे। बच्चे गिफ्ट बस आप बन जाना, वही मेरे लिए। अच्छा क्या सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं? बिल्कुल पढ़ाते हैं, सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। टेलीग्राम बच्चे फिनिक्स एकेडमी का ज्वाइन कर लेना, वहां मिल जाएगा। हाँ तो बच्चे रोटी बनाने वाला बेलन यहां से मिला, और क्या क्या मिला बच्चे? कटोरे मिले यहां से, कटोरे। एक बार अपना अपना लाइक देख लो, किसका ना दबाओ, लाइक दबा दो, मजा आ जाएगा जबरदस्त तरीके से, ठीक है। चलो तो साथियों आज की कक्षा हम लोग यहीं पे रखेंगे पूरा जबरदस्त तरीके से, लेकिन मैं आपको बता दूं जो बच्चे पूरा का पूरा भाई साहब पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं ना इकोनॉमिक्स पढ़नी, पॉलिटी पढ़नी, ज्योग्राफी पढ़नी, सारे सब्जेक्ट पढ़ने, बच्चे आप त्रिशूल बैच में जाएंगे तो ये जो प्राइस है ना बच्चे ये प्राइस भी कम हो जाएगा। कैसे? 1500 यहां पे आपको दिख रहा है, एक कूपन कोड यूज कर लेना जिसका नाम है राम 20। आप जैसे यूज करोगे आपका भाई साहब 20% का यहां पे ऑफ हो जाएगा, केवल और केवल नाम मात्र की फीस है। फीस तुमको लग रही होगी, कुछ है नहीं, क्यों? क्योंकि साथियों इसमें मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब एक प्रकार से कह सकते हो संपूर्ण लूसेंट को विस्तृत तरीके से पढ़ाया, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम है फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, जो हेल्पलाइन नंबर है वो ये है 7007712108। और जो बच्चों को सारे सब्जेक्ट ना पढ़ने हो, स्पेशल पढ़ने हो, साइंस स्पेशल है, इतिहास स्पेशल है, भूगोल स्पेशल है, संविधान स्पेशल है, ठीक है। और ये वाला बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों है। साथियों मजा आया होगा, हाँ राम कुमार यूपीएससी मेरा नाम लो काम ही जाएगा, उम्मीद करते मजा आया होगा। और आप खुद देखो कितनी प्यारी प्यारी पीडीएफ लग रही भाई साहब, बिल्कुल ऐसा लग रहा है इसको छपा के रख ले कहीं पर, दिल में छपा ले, लेकिन भाई साहब दिल में कहना जगह नहीं है। चलो दिल में छपा सकते हैं लेकिन भाई साहब दिल में जगह नहीं है, ठीक है।
देखो कितना मजेदार लग रहा है तुमको भाई साहब, ग्रिड सिस्टम समझ में आ गया, हर एक चीज समझ में आई। बच्चे मैं जाऊंगा नहीं अगर जब तक 1000 लाइक नहीं मारोगे, मैं जाऊंगा नहीं भाई साहब, तुम टिका रहूंगा यहीं पे पकड़ के तुमको, तुमसे भाई साहब हम है ये समझ लेना, ठीक है। और साथियों कमेंट करके बताओ कल साथी कितने बजे, 7 बजे आ जाएंगे, सबके सब 7 बजे आ जाना, एक रिकॉर्ड बनना चाहिए शाम 7 बजे भाई साहब, फिनिक्स एकेडमी में रिकॉर्ड बनना चाहिए भैया शाम 7 बजे। और हर एक बच्चा, ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं, बस दो दो बच्चों को लेकर आ जाना, कितने कितने बच्चों को, दो दो बच्चों को लेकर आ जाना, मामला फिट हो जाएगा, ठीक है। हाँ आ जाना शाम 7 बजे, इंतजार करूंगा, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, अभी इसकी PDF मैं दे दे रहा हूं, कहां पे दूंगा, फिनिक्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे, और फिनिक्स एकेडमी ऐप में आप फ्री कोर्सेज में जाएंगे वहां पर आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। यस सर, यस सर। तो साथियों इसी बात पर मैं आपसे कुछ पूछना भी चाहता हूं, अपने दिल की बात भी कहना चाहता हूं, क्या आपको बताना है कमेंट करके जब वीडियो समाप्त हो जाए, क्लास कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, और क्या आप सब तैयार हैं कल के लिए। कल तारीख कितनी है, 3 जून 2022, जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का तांडव कटेगा पार्ट 2, सिंधु घाटी सभ्यता का बच्चे पार्ट 2 चलेगा, सिंधु घाटी सभ्यता का बच्चे पार्ट 2 चलेगा, पार्ट 2 चलेगा कब, कल 3 जून 2022 को कितने बजे, शाम 7 बजे। अगर नोटिफिकेशन ना आ जाए तब भी जुड़ जाना, शाम 7 बजे। क्लास कैसी लगी, और बच्चे एक प्रश्न का आपको उत्तर भी देना है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और वो प्रश्न भाई साहब जब मैं पूछ लूंगा ना तो आपको बताना है, क्या आलमगीरपुर की खोज किसने की थी, आलमगीरपुर की खोज किसने की थी, इस प्रश्न का उत्तर जो जो साथी देंगे उनका मैं नाम कल की क्लास में शाम 7 बजे लूंगा, जा रहा हूं, मिलूंगा आपके कल शाम 7 बजे। मात्र 10 लाइक रह गए, देख लो किसका लाइक बचा हो, दबा देना, जा रहा हूं मैं, लेकिन जाऊंगा नहीं जब तक भाई साहब 10 लाइक नहीं पूरे कर दोगे। तुम जिद्दी तो भाई साहब हम भी जिद्दी, मारो फटाक से लाइक भाई साहब, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त, शाबाश बेहतरीन भाई, दबाओ लाइक। चलिए मजा आया, बहुत बढ़िया। यस सर, UPSC का एग्जाम है संडे को, क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है प्लीज बता दीजिए वो सभी टॉपिक्स। बच्चे बहुत कम समय बचा, वरना बता देता मैं तुमको, ठीक है। क्या बात है मेरे शेर, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 1000 लाइक का टारगेट भाई साहब दबा दिया। यह होता है प्यार, यह होती मोहब्बत। और साथियों जय राम जी, ख्याल रखना अपना, शुभ रात्रि।